दोस्तों इस वीडियो में हम बी सीरीज की जो आंसर की है वो आपके साथ हम मैच करवाएंगे। अगर आपके पास सी डी या ए की बुकलेट है तो आप उस बुकलेट को अपने पास में रखिए और वह क्वेश्चन के साथ आपको रिपीट कराऊंगे भी कौन से क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो बी सीरीज के अंदर एक नंबर क्वेश्चन है वो आपकी 3 नंबर भी हो सकता है, आपका 4 नंबर भी हो सकता है, आपका 2 नंबर भी हो सकता है। तो इसलिए इस आंसर शीट को मिलाने के साथ साथ आप अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट है 6 दिसंबर 2020 वाली उसको अपने पास में रखिएगा, जिससे कि आपको आसानी से हो जाएगी और आप जो सही आंसर है उस पर टिक करते जाइएगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मैं ये शुरू कर रहा हूँ आपके सामने, ये बिल्कुल बी सीरीज की है। तो क्वेश्चन नंबर एक है इसका, बी सीरीज का पहला क्वेश्चन भी, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान का SSO। क्वेश्चन नंबर सेकंड, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। सी ऑप्शन इसका सही है, यानी कि ये दोनों HDMI कनेक्शन से और VGA कनेक्शन से। क्वेश्चन नंबर तीन, MS आउटलुक 2010 की अकाउंटिंग सेटिंग में आप सेटिंग से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चार, भारतीय एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो 65 रहेगा, यानी कि 65 एक्ट के अंदर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणिकता की जांच करें, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो सही आंसर इसका एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 7, फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रेडिएट फिल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। तो 8 नंबर का जो सही ऑप्शन है राज ई वैलेट, यानी कि डॉक्यूमेंट स्टोरेज करने के लिए राज ई वैलेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है NSDL की वेबसाइट पर। क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए इसका सही आंसर मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं, यानी कि डी ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अपने रास्ते खोजने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, सही आंसर इसका गूगल मैप। क्वेश्चन नंबर 12, एंड्रॉयड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल करें। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि स्टार हैज 1 2 3 4 फिर हैज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है, यानी कि जीमेल संदेश को फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है, एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आउटलाइन कलर तथा विड्थ, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट शीट बनाने के लिए मुख्य भाग है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, डाटा सीरीज, डाटा लेबल और ग्रिड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल का क्या है, यानी कि एरियल एक फॉन्ट है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, यानी कि 17 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सिक्योर सील क्या है। तो सही आंसर एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। तो सही आंसर इसका बी, ये सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, AEPS क्या दर्शाता है, यानी कि AEPS की फुल फॉर्म क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसका 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के
काम में ले सकते हैं। तो सही आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का सी डी राइटर और या डी डी आर डब्ल्यू, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का बी सीरीज में सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं? तो इसका ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। क्वेश्चन नंबर 23, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को अनावश्यक रूप से HTTP और OTP का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो 24 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, USSD। क्वेश्चन नंबर 26, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ये सभी, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सही आंसर इसका गूगल प्ले स्टोर। क्वेश्चन नंबर 28, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में से कुछ नंबर स्टोर है, उनकी सेल्स की संख्या 40 से ज्यादा नंबर है, जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? तो काउंट इफ, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न टिप्स स्टेप्स होंगे? तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन इसका रहेगा, सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब और सेलेक्ट चार्ट, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, एकमात्र स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्रीव्यू, यानी कि प्रीव्यू ऑप्शन के द्वारा एनिमेशन चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद में साउंड फिलअप सेलेक्ट करें, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, आपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं तो PNR नंबर से, 32 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताएं, यानी कि जो वैलिड नहीं है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, NVSP। क्वेश्चन नंबर 35, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था बी सीरीज की टोटल आंसर की। तो अगर आपके पास में अलग सीरीज है तो आप इन क्वेश्चन को अलग अलग आपके जो बुकलेट में जो सीरियल नंबर आपका आंसर है उस हिसाब से इसको टिक करके अपनी आंसर की के साथ मैच कर सकते हैं। और आपके कितने नंबर बने हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।